पढ़ने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो तुम्हें पढ़ने में मजा आ जाए, या फिर तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा हो कि पढ़ाई से मिलने वाले दर्द को तुम हंसते हंसते झेल जाओ। इंसान के सीने में जब दर्द होता है, जब आंसू के लावे आंखों में चुभने लगते हैं, जब वो चाह कर भी रो नहीं पाता, उस वक्त वो कुछ ऐसा कर जाता है जो शायद उसकी क्षमता से परे हो, जो शायद उसने सोचा ही ना हो। हाँ, पढ़ने में दर्द है, बोरिंग है पढ़ाई, घंटों बैठना, एकांत, फोन से दूर, चारों दिशाओं से ध्यान खींचकर किताब पर लगाना, हाँ ये प्रोसेस इंटरेस्टिंग नहीं है। पर अगर तुमने पैसों की कमी से माँ को बीमार देखा है, अगर तुमने पिता को जूते चिपकाकर पहनते देखा है, अगर पैसों की कमी के वजह से कुर्बानियाँ देखी है ना, तो तुम पढ़ोगे, चाहे रात भर भूखा रहना पड़े, सबसे दूर होकर, दोस्ती यारी खत्म करके, चाहे लोगों की नजर में घमंडी होकर भी तुम पढ़ोगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे अंदर वो घुटन, वो अनकंफर्टनेस चल रही होगी। एक जाल जो घेरे है गरीबी का, अंधेरे का, सिमटाव का, वो जो खा रहा है तुम्हारा उजाला, छीन रहा है आंखों की रोशनी, पटक रहा है तुम्हारी उड़ान को, उसे मिटाने के लिए, खुद की आजादी बचाने के लिए तुम पढ़ोगे। पढ़ाई छोड़ो, जंग करनी पड़े ना, खुद की सांस कुर्बान करनी पड़े ना, तो वो भी करोगे। क्योंकि एक वक्त जब घुटन बढ़ जाती है, जब अंधेरा घना हो जाता है, जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो फिर बगावत होती है। अभी वो बगावत का टाइम है, अभी उठना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि अब औकात की चादर चुभने लगी है, क्योंकि अब सिमटना नहीं है मुझे, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए मुझे कुछ करना है, इसलिए अब तो पढ़ना है, चाहे ठोकर लगे, चाहे खून बहे, चाहे बार बार खुद से लड़ना पड़े, बोर हो जाऊं, सर फटने लगे, चाहे आंखों का प्रकाश घटने लगे, पर जब तक अपनी औकात बदल न दूं, जब तक कुछ बड़ा कर न लूं, मैं तब तक पढ़ता जाऊंगा। मैं अब पढ़ाई को अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, बस ये जानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, कि मेरी जिंदगी में जीत और हार की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए अभी से मैं एकांत को चुनता हूं, तब तक जब तक किताबों से सारा ज्ञान ना पी जाऊं, तब तक जब तक अपनी जिंदगी ना जी जाऊं, तब तक मैं पढ़ूंगा, तब तक मैं पढ़ूंगा। ये हद की बात नहीं है, ना ही कद की बात है, ये तो अब जिद की बात है, ये तो अब जिद की बात है। तो चलते हैं एकांत के सन्नाटे में, अब सफलता के शोर में मुलाकात होगी। और हाँ, मैं जीत के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा, बोल तू आएगा ना।